गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज टिफिन और ब्रेकफास्ट दोनों के लिए सेव खमणी बन रही है। तो इसे हम इंस्टेंट बनाएंगे। बिना दाल चावल को भिगोने की झंझट बिल्कुल आसान विधि से बनाएंगे। तो आज जो हम सेव खमणी बनाएंगे, इसे बेसन के साथ बनाएंगे। और बेसन का वजन करने के लिए मैंने इस तरह का एक स्केल लिया है, जो मैंने 250 रुपीज में लिया था, और ये बहुत अच्छा है। और इसमें हम ग्राम का वजन भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो आज हम बेसन का वजन करके लेंगे। तो बेसन हमें लेना है 200 ग्राम, और ये वही मेजरमेंट है जो मैंने नायलॉन खमण के साथ दिया था। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम बेसन ले लिया है। तो आज मैंने बेसन का वजन करके लिया है, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ नायलॉन खमण रेसिपी शेयर की थी, उसमें बिना वजन किए लिया था। तो 200 ml कप से हम दबा दबा कर बेसन लेंगे, तो 1.5 कप बेसन में हो जाएगा। तो आप चाहे तो वो रेसिपी भी देख सकते हो। और उसी के साथ हम 1/3 कप चीनी ऐड करेंगे, और 1 teaspoon नींबू का फूल ऐड करेंगे, और इसे साइट्रिक एसिड या फिर नींबू का शहद भी कहते हैं, तो वो भी ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पर सेंधा नमक यूज़ किया है, तो 2 teaspoon हम सेंधा नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, इसलिए 2 teaspoon नमक ऐड किया है। अगर आप नॉर्मल वाला नमक यूज़ करते हो तो 1.5 teaspoon नमक हो जाएगा। अब उसी के साथ हम 1/4 teaspoon हल्दी ऐड करेंगे, 1/4 teaspoon हींग ऐड करेंगे, और 1 cup पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 cup से पानी लिया है, इसलिए मैंने 2 बार ऐड किया है। अब चीनी मेल्ट हो जाए तब तक हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेव खमणी बनाने के लिए बैटर रेडी है। अब बैटर को हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसे ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। जब लास्ट टाइम मैंने आपके साथ नायलॉन खमण की रेसिपी शेयर की थी, तब बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि जब हम बैटर में हल्दी ऐड करते हैं तो ढोकला बनने के बाद उसमें रेड स्पॉट आ जाते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही इस तरह से हल्दी ऐड करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप बैटर में इनो या सोडा डालते हो तब अगर हल्दी ऐड करोगे तो रेड स्पॉट आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही हल्दी ऐड कर दें। और हल्दी हमें बहुत ही कम ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा हल्दी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बैटर को हम 20 मिनट के लिए रख देंगे, और तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो खमण को स्टीम करने के लिए मैंने इस तरह की बेकिंग ट्रे ली है। अगर आपके पास इस तरह का बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप थाली का यूज़ भी कर सकते हो। और खमण को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी इकोबेक बेकिंग और कुकिंग पेपर लिया है, और ये नॉनस्टिक है, रीयूजेबल है, और कन्वीनियंट और हैजल फ्री है, और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो ओडी इकोबेक को मैंने टिन की साइज़ में कट कर लिया है, और इसे हम टिन में अरेंज करेंगे। और अगर आपके पास इकोबेक पेपर नहीं है तो आप थाली या फिर टिन को ग्रीस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने टिन को भी रेडी कर लिया है। अब सेव खमणी के साथ सर्व करने के लिए हम बहुत ही चटपटी चटनी बनाएंगे। वैसे तो सेव खमणी के साथ चटनी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज हम बनाएंगे तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब चटनी बनाने के लिए हम मिक्सी जार में सेव ऐड करेंगे। आप चाहे तो गाठिया भी ऐड कर सकते हो। हरी मिर्च ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे, और पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, और इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, नींबू का रस ऐड करेंगे, और थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे, और ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। अब इसे महीन पीस लेंगे। तो यहाँ हमारी चटनी भी रेडी है, तो कलर यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चटनी के साथ अगर हम थोड़ा सा गाठिया या सेव ऐड करेंगे तो चटनी का कलर ग्रीन ही रहेगा, और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बैटर को भी 20 मिनट हो गया है, तो यहाँ पर हम स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर बैटर अच्छे से सेट हो गया है, तो इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब उसी के साथ 2 tablespoon मूँगफली का तेल ऐड करेंगे, और बैटर के साथ तेल अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हम इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर बैटर के साथ तेल अच्छे से मिक्स हो गया है, तो उसी के साथ 1 teaspoon इनो ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लेमन फ्लेवर इनो ऐड किया है, और इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और अच्छे से मिला लेंगे। अब इनो के ऊपर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैटर में हमने ऑलरेडी नींबू का फूल ऐड किया है, तो इनो आसानी से एक्टिवेट हो जाएगा। बैटर के साथ इनो अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हमें इसे मिलाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा बैटर लाइट और फ्लफी हो गया है, और थोड़ा सा थिक भी हो गया है। तो यहाँ पर हमारा खमण बनाने के लिए बैटर रेडी है। तो इसे हम इकोबेक पेपर लगाए हुए टिन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा खमण स्टीम होने के लिए रेडी है।
अब इसे हम 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। और सेव खमणी बनाने के लिए हमें एक और चीज़ चाहिए, और ये है फ्रेश कोकोनट। तो इसके हम छिलके निकाल लेंगे और कद्दूकस कर लेंगे। तो 20 मिनट के बाद ढोकला स्टीम हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे खमण बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। अब इसका हमें चूरा ही करना है, और इसमें मोटे टुकड़े बिल्कुल रहने नहीं चाहिए, इस तरह से हम इसका चूरा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने खमण का बिल्कुल चूरा कर लिया है, और हमारा चूरा बहुत ही खिला खिला बना है। अब इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। अब तड़का के लिए हम 3 टेबलस्पून तेल गर्म करने के लिए रखेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें काजू के टुकड़े ऐड करेंगे, और सुनहरा होने तक इसे फ्राई करेंगे। उसी के साथ किशमिश भी ऐड करेंगे, और 2 टीस्पून राई ऐड करेंगे। करी पत्ता और हरी मिर्च ऐड करेंगे, और हींग डाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे, और उसी के साथ 1/4 कप पानी ऐड करेंगे, और 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अब चीनी मेल्ट हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारा तड़का रेडी है, तो उसी के साथ हमने जो चूरा किया था वो खमण भी ऐड करेंगे। कसा हुआ नारियल ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब सबसे आखिर में इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे, और थोड़ी सी नाइलॉन सेव ऐड करेंगे। यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे, तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो अगर हम इस तरह से सेव खमणी बनाएंगे तो हमारी खमणी बाजार से भी अच्छी बनेगी। और जब हमने ढोकला स्टीम किया था तब आपको लगा होगा कि इसमें क्रैक्स आ गई है, लेकिन बेटर में मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था, इसलिए ऐसा हुआ था, ताकि खमण ज़्यादा सॉफ्ट बने। और अगर हमारे खमण सॉफ्ट बनेंगे तो सेव खमणी भी सॉफ्ट बनेगी, और खाते वक्त गले में अटकेगी नहीं। तो बिना अनारदाना खमणी इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो थोड़ा सा हम अनारदाना अभी से ऐड कर देंगे, और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इंस्टेंट सेव खमणी रेडी है। और बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट्स करके पूछते हैं कि आपके जो टिफ़िन के डिब्बे हैं वो कौन सी ब्रांड के हैं, इसमें खाना गर्म रहता है कि नहीं, इसे हम ओवन में रख सकते हैं कि नहीं, और ये लीक प्रूफ है कि नहीं। तो वैसे मैंने आगे बहुत बार बताया है, ये स्टील के टिफ़िन के डिब्बे हैं, इसमें खाना गर्म नहीं रहता, लेकिन ये लीक प्रूफ है। इसमें से दाल कढ़ी वगैरह कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, और इसे हम ओवन में नहीं रख सकते। और ये मैंने भुलेश्वर स्टील मार्केट से लिया था, जिसका डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, रील शेयर की हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो। और ये स्टीलो ब्रांड का है। तो ये है चटनी, और ये है बाजार से भी अच्छी सेव खमणी, और साथ में है नाइलॉन सेव। और बिना अनारदाना सेव खमणी का मज़ा ही नहीं आएगा, तो जितना ज़्यादा होगा उतना खाने में अच्छा लगेगा। तो साथ में है अनारदाना। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन, और आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया आएगा।